6.5 अंतःझिल्ली तंत्र की कार्यप्रणाली फंक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आइए एक उदाहरण की सहायता से इस तंत्र की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करें। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के समय राइबोसोम अंतः प्रद्रवी जालिका से जुड़ जाते हैं तथा इनमें बनने वाले प्रोटीन अंतः प्रद्रवी जालिका की गुहा में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ से छोटी छोटी थैलियों में प्रोटीन गोल्जीकाय तक पहुँचाए जाते हैं। गोल्जीकाय इनकी पैकेजिंग का काम करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को थैलियों में भरा जाता है। यहाँ से पदार्थ कोशिका के अन्य भागों में जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली इत्यादि तक भेजे जाते हैं। ये पदार्थ कई कार्य यानी झिल्ली की मरम्मत में, झिल्ली के बनने में इत्यादि में काम आते हैं या बाहर स्रवित कर दिए जाते हैं। इन उदाहरणों से हमने यह समझा कि कोशिका में संपन्न होने वाले एक कार्य के लिए विभिन्न कोशिकांगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए कुछ और कोशिकांगों का अध्ययन करें। 6.6 अंतः सहजीविता से बने अंग। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोशिकाओं में कुछ ऐसे जीव प्रवेश कर गए जिनके कोशिका द्रव्य दोहरी झिल्ली से घिरे थे और उनमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित थे। समय के साथ ये कोशिका के कार्यों के अभिन्न हिस्से बन गए। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ही कोशिकांग हैं। मेजबान होस्ट कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे जीवों से ऊर्जा और क्लोरोप्लास्ट जैसे जीवों से पोषण मिलने लगा। इन जीवों को मेजबान कोशिका से रहने के लिए सुरक्षित स्थान प्राप्त हुआ। 6.6.1 माइटोकॉन्ड्रिया। अलग अलग कोशिकाओं में विभिन्न आकृतियों के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जैसे गोल, छड़नुमा, शाखित आदि। ये केंद्रक से करीब 6 से 10 गुना छोटे होते हैं। एक कोशिका में लगभग 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। यदि एक स्तनधारी के लीवर यानी कि यकृत की एक कोशिका का उदाहरण ले और उसमें उपस्थित सारे माइटोकॉन्ड्रिया को मिला दें तो वह उस कोशिका का 15 से 20% भाग घेर लेगा। कोशिका के श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कोशिका की जैविक क्रियाओं का ऊर्जा स्रोत बने रहते हैं। अनुवांशिक पदार्थों के होने से माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है और अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। क्या आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतः प्रद्रवी जालिका में गत्यात्मक संबंध है? इस संबंध के बारे में हम तब जान पाए जब अंतः प्रद्रवी जालिका द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को विभाजित करने के लिए उत्तेजित करते देखा गया। अंतः प्रद्रवी जालिका की नलिका के फंदे से माइटोकॉन्ड्रिया दो भागों में विभाजित होते देखे गए हैं। प्रत्येक भाग स्वतंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में कार्य करने में सक्षम रहा। किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादा संख्या में होना क्यों जरूरी है? 6.6.2 लवक प्लास्टिड। यह कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। वर्णक की उपस्थिति के आधार पर लवक दो प्रकार के होते हैं। पहला, रंगहीन लवक, इसमें वर्णक नहीं पाया जाता। यह स्टार्च के रूप में भोजन संचित करता है। इसे हम मक्के के बीज, आलू, मूली आदि में देख सकते हैं। दूसरा, रंगीन लवक, इसमें वर्णक पाए जाते हैं। ये कई रंगों के होते हैं। बीज, पुष्प एवं फलों के रंग इनकी उपस्थिति से दिखाई देते हैं। हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ये डिस्कनुमा, अंडाकार, लेंस के आकार के, सीढ़ी नुमा, सितारे नुमा, कुंडलाकार, जाल नुमा इत्यादि आकार के होते हैं। क्या आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का व्यास किसी माइटोकॉन्ड्रिया से लगभग दुगना होता है? क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। दोनों झिल्ली के अलावा एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टानों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। झिल्लियों के बीच भरे पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, सोचिए क्यों?
अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो कोशिका की कार्यप्रणाली में क्या अंतर पड़ता? अंतः सहजीविता के अंतर्गत कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवों के विशिष्ट गुण क्या थे? हमने अभी तक यूकेरियोटिक कोशिकाओं का अध्ययन किया है, आइए हम कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताओं का भी अध्ययन करें।